रायपुर में महंगाई पर केंद्रीय मंत्री ने दिया बयान, कहा हमारा देश बेहतर स्थिति में है। राज्यसभा के लिए रंजीत और रंजीव शुक्ला ने दाखिल किया नामांकन, सीएम भूपेश और प्रभारी पूनिया सहित मौजूद रहे कांग्रेस के सभी नेता। राज्य में हुआ 6 आईएएस का तबादला, बदले गए रायपुर निगम कमिश्नर। राजधानी में मौसम ने फिर से बदली करवट, झमाझम बारिश से मिली गर्मी से राहत। नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। तो मोड छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर। तो राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया और मंत्रिमंडल की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए कांग्रेस की ओर से रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला ने नामांकन दाखिल किया है। दाखिले के अंतिम समय जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने अपना प्रत्याशी उतारकर सभी को चौंका दिया है। अब नाम वापसी के बाद ही तय हो पाएगा कि मतदान होगा या सदस्यों के निर्विरोध जीत होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस ने रविवार देर रात राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसके बाद सोमवार शाम पार्टी के दोनों उम्मीदवार राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन दिल्ली से रायपुर पहुंचे। मंगलवार की सुबह दोनों ने सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों के लिए जाने माने पत्रकार और पूर्व मंत्री राजीव शुक्ला और बिहार से पूर्व सांसद पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन को उम्मीदवार बनाया है। सीएम हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान दोनों उम्मीदवारों राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का विधायकों से परिचय कराया गया। इस दौरान नामांकन के प्रस्तावक और समर्थकों ने उनके नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्रियों विधायकों के काफिलों के साथ दोनों प्रत्याशी विधानसभा भवन पहुंचे, जहां राज्यसभा के दोनों पदों के लिए राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने अपना नामांकन छत्तीसगढ़ विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर दिनेश शर्मा के समक्ष दाखिल किए। कि मैं विधि द्वारा नेता स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और उत्सव रखूंगी और मैं भारत के समृद्ध अखंडता का रक्षण करती हूँ। मैं राजीव शुक्ला, जो राज्यसभा में स्थान को भरने के लिए भर्ती के रूप में नाम निर्देशित हुआ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा नेता स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम समय सीमा मंगलवार दोपहर 3 बजे तक था। दरअसल विधानसभा में दलीय शक्ति संतुलन को देखते हुए भाजपा ने इस बार अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने अंतिम समय में अपना उम्मीदवार उतारकर सभी को चौंका दिया है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिदास भारद्वाज को उतारा गया है। हरिदास भारद्वाज ने भी अंतिम समय में विधायक रेणु जोगी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के साथ विधानसभा भवन पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। हालांकि इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 71 है। इसी संख्या बल के आधार पर कांग्रेस की ओर से दाखिल नामांकन में दोनों सदस्यों राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन की जीत तय है। 3 जून को नाम वापसी किया जाना है। यदि इस दौरान जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी द्वारा नाम वापस नहीं लिया जाता तो 10 जून को मतदान होगा और शाम को ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। नामांकन दाखिले के बाद कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार राजीव शुक्ला ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। प्रदेश की समस्याओं को अपर हाउस में रखकर उन पर केंद्र सरकार को मनवाने की कोशिश की जाएगी। छत्तीसगढ़ अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ पे विकास की असीम संभावनाएं हैं।
यहाँ जो है यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। आज ये देखिए IAS में दो लोग छत्तीसगढ़ से निकल के आए हैं, एक लड़की भी है जिसने 45th रैंक लिया है। तो ये जो है टैलेंट प्रतिभावान लोगों का ये प्रदेश है और यहाँ संभावनाएँ बहुत हैं। मेरा काम होगा कि छत्तीसगढ़ की समस्याएं, छत्तीसगढ़ के मुद्दे, छत्तीसगढ़ की जो जनता की समस्याएं, उनको पुरजोर तरीके से संसद में उठाना और केंद्र सरकार से उन मुद्दों पर मिलकर, केंद्र सरकार से बात करके उन समस्याओं का हल निकालना। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी जीत जो है यहाँ की सरकार की रही है, जो नक्सलवाद की समस्या को काफ़ी हद तक समाप्त किया। अब उन क्षेत्रों के और विकास की जरूरत है, उसके लिए केंद्र सरकार को पैसा देना चाहिए। वहीं रंजीत रंजन की माने तो कांग्रेस की पार्टी आम जनता के लिए कार्य करना चाहती है। यही कारण है कि प्रदेश की समस्याओं को प्रमुखता से उच्च सदन में उठाने के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ भेजा गया है। का मुद्दा हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे जो अभी राज्यसभा के सांसद हैं, जो विधानसभा के हमारे विधायकगण हैं, हम लोग सब बैठ के चर्चा करेंगे। अभी मुझे बताना तो मेरे लिए लगता है कि ये बहुत छोटापन होगा। मुख्यमंत्री साहब हैं यहाँ पे, तमाम लीडरान हैं, हम लोग बैठ के विचार विमर्श करेंगे। इंचार्ज हमारे पूनिया साहब हैं और जो भी मुद्दे यहाँ पे छत्तीसगढ़ वासियों को जो लगता है कि वो मेजर इशू है, जो वो कहेंगे उसकी जिम्मेदारी हम लोग बखूबी। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नामांकन के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि अलग अलग जगह अलग अलग समीकरण होते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने आंध्र या तेलंगाना के व्यक्ति को राज्यसभा के लिए नामांकित किया है, दोनों जगह उनका अलग अलग नजरिया है। राज्यसभा में हर पार्टी अनेक राज्यों से कैंडिडेट भेजते रहे हैं। अपर हाउस है, अपर हाउस में पूरे राष्ट्र की जो समस्या है, देश के अंदर की समस्या भी है और देश के बाहर की समस्या, विदेश के संबंध है, रक्षा नीति, सब में चर्चा होती है। तो हमारे तरफ से दोनों सदस्य यहाँ से निर्वाचित होके जाएंगे और चूँकि पहले भी इनका अनुभव रहा है लोकसभा सदस्य के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में, मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में लंबा अनुभव है, तो मैं समझता हूँ इसका लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति अलग अलग जगह अलग अलग होती है। अभी उत्तर प्रदेश में आज ही 7वें प्रत्याशी के रूप में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के व्यक्ति को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है, तो यहाँ उनके अलग नज़रिया है, उत्तर प्रदेश में उनके अलग नज़रिया है। ये बात सही है कि लोग अपेक्षा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के भी कोई कैंडिडेट जाए, तो इस समय नहीं हुआ, अगले समय करेंगे। थैंक यू। नामांकन के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को बधाई देते हुए कहा कि अब प्रदेश से कांग्रेस के 4 राज्यसभा सदस्य हो गए हैं, जो प्रमुखता से अपर हाउस में छत्तीसगढ़ की बात रखेंगे, जिससे प्रदेश की जनता का हित जरूर होगा। देखिए, जो राज्यसभा का चुनाव होता है पूरा देश भर के होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको भी जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भी 10 सीटें बाहर दूसरे प्रदेशों के नेताओं को जगह दी गई है, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर क्या कहेंगे। अकबर से लेकर सीतारमण से लेकर कई नेता हैं जो दूसरे प्रदेश के हैं, और राजीव शुक्ला जी जो लंबा राजनीतिक अनुभव है, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के हितों के लिए केंद्र में उठाएंगे और छत्तीसगढ़ को उसका लाभ मिलेगा। बहरहाल, राज्यसभा के नामांकन दाखिले के बाद भी भाजपा प्रदेश के हितों का हवाला देते हुए कांग्रेस को घेरने में कहीं पीछे नहीं है। अब देखना होगा कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ की आवाज बुलंद होती है या नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट ताकेश्वर साहू के साथ भूपेश टांडिया की रिपोर्ट। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर स्वरूप भट्टाचार्य इस वक्त फोन लाइन पर है। स्वरूप, राज्यसभा के नामांकन आज पूरा हो गया, लेकिन बाहरी व्यक्ति के नाम पर सियासी भूचाल मचा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर स्वरूप? लेकिन इसको बाहरी व्यक्ति के नाम पर जो लगातार जो घमासान मचा हुआ है, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी भाजपा शासनकाल में भी जब राज्यसभा के लिए नामांकित किया जाता था बाहरी व्यक्ति को, उस समय जब विपक्ष में कांग्रेस थी, तब उन्होंने कांग्रेस से भी सवाल उठाया जी।
सबसे बड़ी बात ये है कि राज्यसभा को समझना होगा कि ये राज्यसभा जो है अपर हाउस का नाता है। अपर हाउस का मतलब ये होता है जो पारंगत है और जो इसके काबिल है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, उस राज्य से उस सीट के लिए उन व्यक्ति का नाम चयनित किया जाता है। जी। ये भाजपा और कांग्रेस या कोई भी दल यदि एक दूसरे पर सियासी वार कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है। सियासत इसलिए है कि ये एक दूसरे पर वार करने का एक मुद्दा इनको मिल जाता है। अब जैसे कांग्रेस के खिलाफ भाजपा को एक मुद्दा मिल गया कि वो बाहरी व्यक्ति है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि विगत जब 3.5 साल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब राज्य सरकार के मुखिया बने हैं, उसके बाद से ही उन्होंने छत्तीसगढ़िया जो छत्तीसगढ़िया लोग हैं या छत्तीसगढ़िया मानुष हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी को ही वो भारतीय जनता पार्टी उसको जोड़ते हुए मुख्यमंत्री को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, पूरे कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नई बात कोई नहीं है, इसके पहले भी दूसरे जो रहे हैं विपक्ष में जो भी रहा है वो इस तरह के फ्रेम लगाते रहे। लेकिन अब देखना यह होगा कि अब जब दो लोगों को का नामांकन हुआ है, जो नामांकन होने के बाद ये जब राज्यसभा यानी उच्च सदन में बैठेंगे तब इनका कार्यकलाप कैसा होता है, छत्तीसगढ़ को लेकर सवाल जवाब किस तरह से उच्च सदन में रखा जाता है, उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर ही सबसे बड़ा निर्भर होता है। जी अनिल, सिर्फ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या मतदान होगा इस पर? जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के द्वारा जो नामांकन दाखिल किया गया है वो किसी तरह से किसी के भी को पच नहीं रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 71 सीट कांग्रेस के पास है, 14 सीट भाजपा के पास है और महज 3 सीट में ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सिमट कर रह गई है। ये केवल और केवल दावेदारी का जो एक बहाना है, ये सिर्फ दिखावा है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ आज प्रदेश में जिंदा, इसके सिवाय और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो भी जब दोपहर 3 बजे जब ये समय समाप्त होने का था, वहाँ लगभग 2:30 बजे कोटा के विधायक रेणु जोगी और जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से ही विधायक है और दूसरे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित जोगी, उन्होंने भारद्वाज जी को लेकर जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनके नाम का नामांकन लेके विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचते हैं और नामांकन दाखिल करते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये देखनी होगी कि जैसे आज नामांकन यानी मंगलवार को नामांकन दाखिल हुआ है, बुधवार को इसकी स्क्रूटनी होगी और 3 तारीख यानी 3 जून को नाम वापसी की तय है। अब इस तरह ये देखना होगा कि सबसे पहले तो स्क्रूटनी में ही पता किया जाएगा कि नामांकन सही दाखिल हुआ है या नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात होगी, उसमें जांच होगी। जांच होने के बाद यदि सही पाया जाता है तो 3 तारीख का जो डेट रहेगा 3 जून का रहेगा, उस दिन नाम वापसी की होगी। यदि नाम वापस यदि भारद्वाज जी करते हैं, भारद्वाज यदि नाम वापस ले लेते हैं तो फिर मतदान होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यदि भारद्वाज का स्क्रूटनी में भी पास हो जाता है, उनका नामांकन सही पाया जाता है और उन्होंने नाम वापसी नहीं लिया तो उसके बाद मतदान होना तय है और मतदान 10 तारीख को होगा। 10 तारीख को सुबह से होगा और दोपहर 4 बजे के बाद मतगणना होगी। लेकिन 71 का जो आंकड़ा है ये जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को भी भलीभांति मालूम है कि हार तो निश्चित है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दावेबाजी और पैंतरेबाजी के नाम पर ही छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ये दांव खेल रही है। सरू, बाहरी के सवाल पर सीएम भूपेश ने जवाब दिया है, क्या भाजपा इससे संतुष्ट है? देखिए, जब से मतलब यदि हम कहा जाए तो ये रविवार से ही ये सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई थी, जब अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने जब राज्यसभा के लिए 2 व्यक्ति नामित किए हैं छत्तीसगढ़ से, तो उसमें जब राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का नाम आया उस समय से ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हावी हो रही जी। अब ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी इतनी जल्दी ये मामला शांत नहीं होगा। ये मामला जो है अब जब तक एक चुनाव तो हो जाएगा, चुनाव होने के बाद यदि मतदान होता है तो ठीक है, जैसे कि मैंने बताया यदि मान लो मतदान नहीं हुआ तो मतगणना भी नहीं होगी, यानी कि निर्विरोध वो चुनाव जीत जाएंगे। जब चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद राजीव शुक्ला जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और प्रखर पत्रकार भी हैं,
इन्होंने पत्रकारिता भी किया है, पत्रकारिता के क्षेत्र से ही वो पूर्व केंद्रीय मंत्री के तौर पर रहे हैं और कांग्रेस के कद्दावर मंत्री भी। उसी तरह रंजीत रंजन को भी देखा जाए तो रंजीत रंजन की भी छवि बहुत काफी तेज तर्रार है। इस तेज तर्रार होने का फायदा छत्तीसगढ़ को कितना मिल पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के इंतजार में भाजपा भी अपनी पैनी नजर इन दोनों पर रखेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब छत्तीसगढ़ से चार कांग्रेस के सदस्य हैं जो राज्यसभा में हैं, जो पुराने जो है राज्यसभा में कुलदेवी नेताम है, केटी अस्तुती है, अब नए में राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन। अब केवल एक ही भाजपा के सदस्य हैं जो सरोज पांडे। अब सबसे अब ये देखा जाएगा कि चार लोगों की दावेदारी छत्तीसगढ़ के लिए कितना साबित करती है उच्च सदन में, तब जाकर ही ये पता चल पाएगा कि भाजपा यहाँ पर पटखनी खाती है या भाजपा उस पर कांग्रेस पर हावी। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉर लौटेंगे।